So now coming to the next question, question number 8 is using the conduction tester on an object. So सबसे पहले बात कर रहे थे conduction tester क्या होता है. एक normal पेचकस की तरह होता है but उसमें क्या होता है, छोटा सा बल्ब लगा होता है. बेसिकली यूज होता है चेक करने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट में या कहीं पे करंट पास हो रहा है या नहीं. सो दैट मींस अगर करंट पास हो रहा होगा तो उस कंडक्शन टेस्टर का बल्ब जल जाएगा और अगर करंट नहीं होगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा. ठीक है. नाउ द थिंग इज, अब हमसे पूछा क्या है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिन टू ग्लो. तो वहां पे वो बल्ब जल गया टेस्टर का. इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर. तो वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा. अब जिस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया है अगर के बाद बल्ब ग्लो, दैट मींस कि वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होगा. व्हाई? बिकॉज कंडक्टर में ही करंट पास हो सकता है. अगर वो इंसुलेटर होता तो वहां पे करंट पास हो ही नहीं सकता. तो दैट मींस वो कंडक्टर होगा. अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कैसे, दैट ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ओनली अ कंडक्टर. ठीक है, तभी बल्ब ग्लो करा. अगर इंसुलेटर होता तो ना होता. देन क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, एक्सप्लेन. तो अगर आपके घर पे कोई इलेक्ट्रीशियन आता है आपका स्विच बोर्ड वगैरह ठीक करने के लिए, तो उसको रबर के ग्लव्स क्यों पहनने चाहिए. वैसे तो बहुत सिंपल सा आंसर है, हम सब पढ़ चुके हैं कि रबर के जो ग्लव्स होंगे वो इंसुलेटर होंगे, मतलब वो करंट को पास ऑन नहीं करने देंगे. तो इलेक्ट्रीशियन को शॉक लगने के चांसेस कम हो जाएंगे. अदरवाइज अगर वो बेयर हैंड से करता है तो हो सकता है कि उसको करंट लग जाए. ठीक है, नेक्स्ट है. अब हम इसका आंसर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रीशियन शुड यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम बिकॉज रबर ग्लव्स आर इंसुलेटर्स, क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं. दिस प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक शॉक. तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से या करंट लगने से वो बचेगा. ठीक है, सो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे.